बर्फबारी के बाद स्वात के शहरी इलाकों में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश भी हो रही है। बात करते हैं श्री ज़ादा से। श्री ज़ादा, इस वक्त स्वात का मौसम कैसा है? जी, इस वक्त मैं कालाम रोड पे मौजूद हूँ और बर्फबारी का सिलसिला खूब जारी है। इस वक्त मैं आपको कालाम रोड दिखाऊँ। इस वक्त 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और वो रोड को खोल रहे हैं, तो काफ़ी मतलब सयाहों के लिए यही है कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनको मतलब रास्ता खुला मिलेगा, लेकिन ज़रूरी है कि इनके पास चेंज ज़रूर हो। बगैर चेंज के अगर आप आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि बर्फ़ पे गाड़ी जो है ना, वो बगैर चेंचों के, जंजीरों के, वो फिसलती है गाड़ी। यहाँ हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, उनसे जानते हैं आप कहाँ से आए और ये बताएं आने जाने में कोई दुश्वारी? माशाल्लाह, हम तो पिशावर से आए, तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने बड़ा अच्छा व्यू देखा और रास्ता बहुत क्लियर है, जैसा कि पहले ज़माने में था। अभी तो माशाल्लाह रोड भी क्लियर है और ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर रास्ते साफ है, सयाहों के लिए अच्छी पैगाम है कि रास्ते सारे क्लियर है और बेहतरीन मनाजिर, बेहतरीन लोकेशन आप देख सकते हैं और किसी भी वक्त आ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि गर्म कपड़े और गर्म जूते जरूर होने चाहिए। जी, शुक्रिया श्री ज़ादा अपडेट करने के लिए। और बात करेंगे मुल्की सियासी मामलात की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत